हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी आई होप यूल आर गुड यस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच नेम इज डॉलीज डॉल सो डोली की डॉल सो फर्स्ट वी शुड नीड टू सम वर्ड्स और मीनिंग आल्सो सो स्लाइड मीज क्या होता है बच्चे जो फिसलन होती है स्लाइड्स बोलते हैं ठीक है क्यूरियस क्या होता है किसी चीज के लिए उत्सुक होना किसी चीज को हम लेने की जब विश करते हैं तो हम उसके लिए क्यूरियस हो जाते हैं

In addition, there were set up children's slides in the park. Today, they were about to start playing when Dolly came. She had a doll in her hands. As she entered the park, curious eyes looked to her. They all gathered round her. Sub. So, यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है बच्चे ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है आफ्टरनून में जब क्या होता है सन जो होता है वो ज़्यादा हॉट नहीं होता है ना तो बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं खेलने के लिए जितने भी नेबरहुड पार्क के पास ही मतलब जो नेबर्स होते हैं आसमे आस पास में कोई पार्क होता है वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो गेम खेल पाएं ठीक है इवनिंग में और वो गेम कौन कौन से होते हैं जैसे अलग अलग गेम खेलते हैं जिसमें क्रिकेट है फुटबॉल है खो खो है ब्लाइंड रेस है हाइड एंड सी खेलते हैं बैडमिंटन और भी बहुत गेम है जो वो खेलते हैं हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है सब बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे चिल्ड्रन भी वो पार्क में एंटर करती है तो क्यूरियस, क्यूरियस मतलब बहुत उत्सुक भरी आंखें उनको देखने लग जाती हैं और सबके सब, सब वहां पर ग्राउंड में गैदर हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं गैदर मीन बच्चे इकट्ठे होना

और तीशा बोलती है क्या स्पेशल है इस डोल में हमारे पास भी बहुत सारे टॉयज हैं स्वाति भी बोलती है यस yes, में हमारे पास भी है देन डोली कहती है ये स्पेशल वन है और ये बहुत सारे एक्शन कर सकती है ठीक है तो बोलते हैं किस किस तरह के एक्शन वो कर सकती है ऑल चिल्ड्रन सेड इन वन वॉइस यस तो बोलती है कि मैं तुम्हें दिखा सकती हूं कि किस किस तरह के एक्शन करती है क्या दिखाऊं तो सब बच्चे क्या बोलते हैं यस डॉली स्टूड टूड द डोल ऑन अ बेंच शी सेड द डॉल रंस ऑन दिस रिमोट यू विल सी इट कैन डू मेनी एक्शंस तो डॉली वहां पर खड़ी हो जाती है अपने डॉल के साथ और डॉल को क्या कर देती है बेंच पर खड़ा कर देती है और बोलती है ये जो डॉल है वो रंस करती है टू तो दिस रिमोट के साथ ठीक है जैसे जैसे मैं रिमोट को करूंगी मूव और उसको कमांड दूंगी वैसे वो अपने एक्शन स्टार्ट करेंगी डॉली प्रेस्ड अ बटन द डॉल टू क्लैप शी प्रेस्ड अनदर बटन द डॉल रेज हर हैंड्स एंड बॉट बॉड डाउन शी प्रेस्ड अनदर बटन द डॉल टर्न टू द लेफ्ट अब क्या है जैसे जैसे रिमोट को प्रेस कर रही है अलग अलग बटन्स को तो क्या कर रही है डॉल डॉल क्लैप करना स्टार्ट कर देती है रेस्ट करना स्टार्ट कर देती है अपने हैंड्स को ठीक है और उसके बाद क्या करना स्टार्ट कर देती है इधर उधर लेफ्ट में भी टर्न करना शुरू कर देती है देन इस टाइम डॉली ई प्रेस्ड अ बटन ऑन द रिमोट द डॉल डिड अ डिफरेंट एक्शन शी सेट डाउन अप एंड डांस शी ऑल्सो सेंगे राइम अब जैसे उसने दूसरा बटन प्रेस किया तो डॉल ने क्या स्टार्ट किया अलग से एक्शन वो बैठ जाती है खड़े होती है डांस करने लग जाती है और राइम भी सेंग करने लग जाती है चिल्ड्रन वर the और जो बच्चे होते हैं बहुत खुश होते हैं डॉल को देखकर क्लैप करने लग जाते हैं और खुशी से उछलने लग जाते हैं इन द एंड डॉल स्लीप पर अब क्या करती है डॉली बोलती है कि अब मेरी जो डॉल है वो टायर्ड हो चुकी है टायर्ड मीन क्या होता है बच्चे थकना अब वो काफी थक चुकी है और भूखी भी हो चुकी है शी इज हंग्री ठीक है और इसको अब सोना है तो उसके बाद वो क्या करती है उसका प्रेस करती है बटन बेंच पे बिठा देती है और फिर उसके बाद जो डॉल है वो सिंक करना शुरू कर देती है क्या बोलती है इट इज माई बैड टाइम टेल मी अ स्टोरी इट इज माई बैड टाइम टेल मी अ स्टोरी ठीक है तो बच्चे ऐसा देखकर बहुत खुश होते हैं और क्लैप करने लग जाते हैं और जोर जोर से रेज लाउड नॉइज तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर आई होप बच्चे आपको समझ में आएगा रिलेट करती एक्सरसाइज डू येल्फ